हाय गाइस, स्वागत है एक और इसी वीडियो में। आज मैं आई हूं टू नो टाटा मायापुरी में टू रिव्यू दिस द ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी। एंड इन दिस वीडियो वी वांट टू फाइंड आउट कि ये वाली नेक्सॉन ईवी अपनी पुरानी वाली वैन से कितनी ज़्यादा बदल गई है, एंड टाटा ने इसके अंदर कौन सा मैजिक किया है कि इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड एंड इतनी ज़्यादा हाइप बन चुकी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। अबाउट द की ऑफ दिस कार, आपको ये बिल्कुल सिमिलर सी चाबी ही मिलती हुई दिखेगी जो कि आपको बाकी टाटा की टॉप मॉडल में मिल जाती है। इफ़ आई लॉक दिस कार सो द डीएल डज दिस कूल डांस विच आई रियली लव, एंड अनलॉक के टाइम में भी आपको मिलता हुआ जरूर दिखेगा। जैसे इस गाड़ी के मैं बम्पर की बात करता हूँ, सो यू गेट अ टाटा लोगो इन द सेंटर एंड द बम्पर हैज द फ्यूचरिस्टिक डिजाइन ओवर है विच आई रियली लव। आपको यहाँ पे एक कैमरा एंड सेंसर्स भी मिलते हुए जरूर दिख जाएंगे। इफ आई टॉक अबाउट द हेडलाइट, सो द ये वाले हेड लैम्प है, इसके अंदर आपको एक प्रोजेक्टर मिल जाएगा विच इज अ वाइट LED, एंड आपको फॉग लैम्प भी वाइट LEDs मिलती हुई जरूर दिखेगी। इफ आई टॉक अबाउट द साइड, तो आपको इसके अंदर 215/60 R16 के MRF का टायर मिल जाता है। यू डू गेट डिस्क ब्रेक इन द फ्रंट एंड इन द रियर टू, एंड द अलॉय हैज दिस वेरी फ्यूचरिस्टिक येट रोबोटिक डिजाइन एट द सेम टाइम। आपको यहाँ पे भी कैमरा मिलता है जरूर दिखेगा बिकॉज दिस कार इज इक्विप्ड विद द 360 डिग्री कैमरा, एंड योर इंडिकेटर इज ऑल्सो गेटेड इन द ORVM itself। जो यहाँ का सेंसर है गाड़ी खोलने का, वो अब यहाँ पे आपको मिसिंग मिलता है जरूर दिखेगा बिकॉज वो सिर्फ ड्राइवर सीट में ही है। यू डू गेट दिस रूफ, एंड आपको एक सनरूफ भी मिल जाती है अलॉन्ग विद दिस ब्लैक सीट में ओवर द रूफ विच आई रियली लव। आपको शार्फिन एंटीना भी मिलता हुआ जरूर दिखेगा। जैसी इस गाड़ी के मैं रियर की बात करता हूँ, यू गेट दिस बिग बल्की लाइट ओवर हेयर, एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है रात में। इफ आई टॉक अबाउट द मिरर, सो आपको यहाँ पे एक रियर डिफॉगर एंड आपको वाइपर भी जो है वो ऊपर हिडन मिलता हुआ जरूर दिखेगा टू गिव दिस कार अ वेरी क्लीन लुक। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे स्पॉइलर ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, एंड यू डू गेट अ कैमरा एंड सेंसर्स ऑन दिस कार टू। आपका नेक्सॉन ईवी की भी बैजिंग यहाँ पर लोकेटेड है। जैसी इस गाड़ी के मैं बूट स्पेस की बात करता हूँ, सो आपको इसके अंदर 385 लीटर्स की स्पेस मिल जाती है, एंड जैसे आप अगर बूट भी खोलेंगे आपको वॉइस असिस्टेंस भी मिलती हुई ज़रूर मिलेगी। बट जो उसकी बूट स्पेस एक्चुअल में है वो 350 लीटर्स की ही है। आई डोंट नो उनके डायमेंशन क्या थे डाटा के, तो थोड़ा बहुत चेंज तो कर रही है। आपको यहाँ पे एक JBL का बूफर भी मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। यू डू गेट अ लाइट ओवर हेयर टू अलॉन्ग विद अ पार्शियल ट्रे, एंड जो ये वाली सीट है वो 60-40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती हैं। जैसी इस गाड़ी के मैं रियर सीट्स की बात करता हूँ, सो इफ आई ओपन द रियर डोर नाउ, सो द डोर ओपन वेरी वेरी वाइड इनफ एंड आई रियली लव इट। इफ आई टॉक अबाउट दिस डोर पैनल, सो आपको यहाँ पे वाइट लेदरेट मिलता हुआ जो दिखेगा अलॉन्ग विद द पियानो ब्लैक फिनिशिंग इन द डोर हैंडल बार विच आई रियली लव। यू डू गेट अ पावर विंडो ओवर हेयर टू, एंड आपका JBL का भी सिस्टम यहाँ पर आपको लगा हुआ मिल जाएगा। यू कैन स्टोर अ बॉटल ओवर हेयर टू, एंड थोड़ा बहुत सामान भी आप रख सकते हैं आई केस। इफ टॉक अबाउट द रियर सीट, तो आपको इसके अंदर दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर वाले के लिए है ही नहीं, एंड आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी मिलता हुआ जरूर देगा। एंड जो सीट का कलर कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आपको यहाँ पे ब्लू स्टिचिंग भी मिल जाती है विच आई रियली लव। इफ आई टॉक अबाउट द हम, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा हम जरूर मिलेगा, बट अगर इसके अंदर चार बंदे ही बैठे हैं गाड़ी में तो वो बेटर है बिकॉज जो सेंटर वाला बंदा है उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस सेंटर पेन। आपको यहाँ पे 45 वॉट का 40 सॉकेट मिल जाता है, आप इससे अपना इवन लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट। एंड आपको यहाँ पे AMC मिल जाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द सीट्स, सो आप ये वाली जो सीट्स है थोड़ी सी स्कूप्ड आउट है, बट देर इज नो मैगजीन होल्डर इन दिस कार। जैसे इस गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ एंड आई क्लोज द डोर, तो मुझे इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा चढ़ के बैठना पड़ रहा है, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे पैर थोड़े से ज़्यादा उठे हुए तो मुझे थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड द अंडरटाई सपोर्ट इज़ वेरी वेरी लैगी इन दिस कार। इफ आई टॉक अबाउट द लेग रूम, तो लेग रूम इस गाड़ी का थोड़ा सा डिसेंट है, बट अगेन वो भी थोड़ा सा कम साइड में ही है। यू डू गेट 6 एयर बैग्स इन दिस कार विच आई रियली लव। आपको यहाँ पे एक हुक भी मिल जाता है अलॉन्ग विद द ग्रैब हैंडल बार ओवर हियर टू, एंड इफ आई टॉक अबाउट
ओवरऑल अबाउट दिस कार, सो आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक बिकॉज इसकी विंडोज थोड़ी सी बिग तो है एंड जो आगे वाली है वो थोड़ी ज़्यादा ही चौड़ी है एंड आपको ऊपर एक सनरूफ मिल जाती है विच आई रियली लव। तो ज़रा चलिए चलते हैं हम इसके आगे की ओर एंड देखते हैं कि इस गाड़ी में और क्या ऑफरिंग है बिकॉज वहाँ पे जो है बहुत ही सारी पार्टी ट्रिक्स है विच आई वुड लव टू शो यू। सो नाउ टॉक अबाउट द ड्राइवर साइड ऑफ दिस कार, आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता हुआ जरूर रहेगा। जैसे इस गाड़ी का मैं दरवाजा खोलता हूँ द फ्रंट डोर ऑल्सो ओपन डिसेंटली वाइड इनफ, आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है एंड यू कैन इवन स्टोर योर अम्ब्रेला एंड सम स्टफ ओवर हियर टू, और इवन क्वाइट अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर टू। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉइन्स वगैरह भी रख सकते हैं, आपके पावर विंडोज के बटन एंड आपके ओवर व्यू के बटन यहाँ पे लोकेटेड है। इवन नाउ टॉक अबाउट द ड्राइवर सीट्स, आपको इसके अंदर मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन मिल जाते हैं एंड जो फ्रंट वाली सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड वाली भी हैं, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड पार्ट। आपको यहाँ पे भी एक ब्रश सिल्वर फिनिशिंग मिलती हुई जरूर दिखेगी एंड यू कैन इवन स्टोर सम कॉइन्स ओवर हियर टू इफ़ यू वांट। आपको यहाँ पे एक 3D डिज़ाइन मिलता हुआ जरूर दिख जाता है और आपका स्टेयरिंग व्हील जो है वो पेडल शिफ्टर के साथ ही आता है आप इस गाड़ी के अंदर। जैसे इस गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ एंड आई क्लोज द डोर क्लोज विद द वेरी वेरी गुड टच एंड आई एम वेरी वेल हक टू द सीट्स एंड जो इसका अंडर टायर सपोर्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा साबित होता हुआ ज़रूर मिलेगा। जिस इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसके अंदर अब रियल पार्टी ट्रिक शुरू हो जाती है। यू गेट दिस वेरी गुड डिज़ाइन एलिमेंट ओवर हियर टू एंड इसका इल्यूमिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे। यू डू गेट द फुल स्वाइप इन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सीन एंड द क्लैरिटी इज वेरी वेरी ग्रेट इन दिस कार इटसेल्फ। इफ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील नाउ, सो ये डुअल कलर में आपको रैप होटल जरूर मिलेगा अलॉन्ग विद द ब्लैक स्टिचिंग ओवर हियर टू एंड जो टाटा का लोगो है वो आपको इल्यूमिनेशन में ही मिलेगा। योर क्रूज कंट्रोल बटन इज लोकेटेड ओवर हियर एंड आपके इंफोटेनमेंट सेट करने के बटन यहाँ पे लोकेटेड है। यू कैन इंक्रीज और लोअर द वॉल्यूम, चेंज द ट्रैक, आप यू कैन पिक अ कॉल, कट द कॉल एंड आपको यहाँ पे एक वॉइस असिस्ट एंड आपको ब्लूटूथ मोड पे भी जाने का बटन मिल जाता है। यू नाउ गेट द 12 इंच स्क्रीन ओवर हियर टू एंड इसके अंदर आपको बिल्ट इन एलेक्सा, गूगल एंड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है। सो आपको कनेक्टिविटी वाइज भी कोई भी दिक्कत उस गाड़ी में नहीं आएगी। यू विन गेट द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिस कार टू एंड आप इसकी सेटिंग्स में जाके जेबीएल मोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे सो यू कैन इवन चेंज द सॉन्ग टाइप और द साउंड इफ़ यू वांट। इफ आई नाउ टॉक अबाउट द सेंटर पैनल ओवर हियर, सो जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो फुल्ली टच वाला है। यू डू गेट द हिल डिसेंट एंड हिल रोल इन दिस कार टू एंड आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिल जाती है। इफ आई टॉक अबाउट दिस गियर नाउ, तो ये सीधा ही आपको जैगुआर लैंड रोवर से उठाई हुई मिलती हुई जरूर दिखेगी। यू कैन इवन स्विच टू सिटी इको एंड स्पोर्ट्स मोड एट द सेम टाइम एंड यू कैन स्टोर सम स्टफ ओवर हेयर टू एंड आपको यहाँ पे एक छोटू सा आमरेस्ट भी मिल जाता है। आपको इधर भी फ्रंट में 12 वोल्ट का पावर बैंक सॉकेट, एक USB ए टाइप एंड आपको 45 वोल्ट का भी सी टाइप सॉकेट मिल जाता है। सो आप फ्रंट में भी अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। यू नाउ गेट द सॉफ्ट ओपनिंग फॉर द डैशबोर्ड विच आई रियली लव एंड इट इज़ वेरी वेरी डीप एंड आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं एट एन ईज एंड यू डू गेट अ लाइट ओवर हियर टू एंड जो यहाँ वाला इफेक्ट है आपको थोड़ा सा अलग सा ही मिलता है वो देखेगा। इफ आई टॉक अबाउट द लेदर क्वालिटी ओवर हियर, सो आपको थोड़ी सी प्लास्टिक की साबित होती है ज़रूर मिलेगी एंड जो इसका रियर व्यू मिल रहा है उसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिल जाती है एंड यू इवन गेट अ वाइट लाइट इन दिस कार। यू ऑल्सो गेट अ टिकट होल्डर ओवर हियर एंड आपको इस वाले ब्लाइंड के अंदर एक मिरर मिल जाता है बट देयर इज नो लाइट ओवर हियर एंड आपको सनरूफ खोलने का बटन यहाँ पे लोकेटेड है एंड जैसे इस गाड़ी की मैं सनरूफ खोलता हूँ द कार बिकम्स वेरी वेरी एयरी एंड ये गाड़ी मुझे एक बहुत ही अच्छा लाइट दे रही है विच आई रियली लव। इफ टॉक अबाउट द ए पिलर एंड ऑल्सो अबाउट द बी पिलर, सो इस गाड़ी के जो दोनों पिलर हैं वो थोड़े से चौड़े हैं सो आपको कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बट सिंस दिस कार इज इक्विप्ड विद 360 डिग्री कैमरा तो आपको थोड़ी बहुत सहायता तो मिल ही जाती है। इफ आई टॉक ओवरऑल अबाउट दिस कार, सो आई कैन लिटरली सी द हुड ऑफ दिस कार फ्रॉम माई व्यू एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इस गाड़ी में बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अच्छी सी गाड़ी में बैठा हूँ एंड आई स्पेंड माई मनी रियली वेल इन दिस कार। सो चलिए जरा चलते हैं हम हुड की ओर एंड देखते हैं किसके इंजन में और क्या। इफ नाउ टॉक अबाउट द इंजन और द हार्ट ऑफ दिस टाटा नेक्सॉन ईवी, सो इसके अंदर आपको 40.5 किलोवाट पर आवर की बैटरी मिल जाती है विद प्रोड्यूसर पावर ऑफ 106 किलोवाट एंड अ टॉर्क ऑफ 250 न्यूटन मीटर्स एंड ये वाली गाड़ी सिंगल रेंज में 465 किलोमीटर कर सकती है एंड 0 to 100 ये वाली गाड़ी अगेन 8.9 सेकंड में कर सकती है। इफ़ यू बाय द मिड रेंज वर्जन तो वो सिर्फ 325 किलोमीटर ही कंप्लीट कर पाएगी एंड आपको उसके अंदर 30 किलोवाट पर आवर की बैटरी मिलती है। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेफ्टी,
तो ये सिंस टाटा का लोवा है तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है एंड दिस कार ऑल्सो कम विद द 6 एयरबैग्स। अगेन आपको यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलती ही नहीं दिखेगी बिकॉज इसके अंदर कोई साउंड ही नहीं है। सो इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट वेदर आई वुड बाय इट कंसिडर और रिजेक्टेड, आई वुड लव टू गो एंड कंसिडर दिस वन बिकॉज इसका जो फ्यूलेस वर्जन है उसके अंदर आपको सारे नेसेसरी फीचर्स मिल जाते हैं और आपको चिंग एंड ब्लिंक भी मिल जाता है, बट दिस कार कम विद द एक्स्ट्रा फीचर्स अगेन वेदर आई वुड लव टू गो एंड बाय दिस कार। यस, बिकॉज टाटा ने इस गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया है एंड इस वाले साइज़ में अगर हम EVs की बात करेंगे जो कि सिर्फ XUV की 400 ही है उसके अंदर भी इतने फीचर्स नहीं निकाले गए एंड आई डू नॉट लव द लुक ऑफ डैट कार इन पर्टिकुलर इटसेल्फ। सो अगर आपको टाटा की ये वाली नेक्सॉन EV या फिर वो वाली ऑल्टो या फिर ये वाली टियागो EV लेनी हो, यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट टू नॉट टाटा मायापुरी, आपकी सारी की सारी क्वेरी चुटकियों में दूर कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स जरूर डालिएगा, मैं फिर से आपको एक और अच्छी सी वीडियो लेके टिल देन पीस।